हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स वाणी में। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से जो है वीडियो मैं नहीं ला पा रहा हूँ, किसी पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं ला पाया था, लेकिन अब जो है आपका इंतज़ार वो ख़त्म हो चुका है। आज फिर से मैं एक न्यू बैट का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। बहुत ही स्पेशल बैट है, इस तरह का बैट मैंने अभी तक कोई भी अनबॉक्सिंग नहीं किया है। फ्यूचर में मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह, लेकिन आज जो बैट है बहुत ही स्पेशल बैट है। ये कोई स्कूप बैट नहीं है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिलीवरी से मैंने मंगाया है। इसका प्राइस सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छा बैट आपको मिल पाएगा बहुत ही चीप रेट पे। इसका सबसे बैट, ये बैट अच्छा होने की वजह से भी है, और इसका जो इसकी जो कंपनी है ये एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आती है। इस तरह का है कि जैसे आपको जब भी आप ये खरीदेंगे परचेस करेंगे बैट, तो आपको जो है पूरा पेमेंट जो है ऑनलाइन करना पड़ता है। लेकिन इस बैट के साथ ये है, इस कंपनी ने ये किया है कि आपको जो है कुछ पैसा एडवांस करना होगा और बाकी जो है आपको कैश ऑन डिलीवरी पे मिल जाएगा ये बैट। तो चलिए मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, फिर इसके बैट के फ्यूचर के बारे में बताऊँगा कि किस तरह का बैट है ये। ये एक्चुअली ये जो बैट है ये लेदर बैट है, कश्मीर विलो है। ये पहली बार मैं कर पा रहा हूँ। साइड कर लेता हूँ, आप ये देख पा रहे होंगे, इसको रैपर हटा देता हूँ। बहुत ही जबरदस्त बैट है, देखने में आपको पता चल पा रहा होगा। ये देखिए, ये बैट है, आपको देख पा रहे होंगे कितना जबरदस्त है। इसका स्टिकर भी कितना अट्रैक्टिव है, इससे पता चल पा रहा होगा। और विलो आप देखिए, विलो की क्वालिटी और कलर देखिए कितना क्लीन है। वहीं इसकी प्रोफाइल की बात करें तो आप ये देखिए प्रोफाइल किस तरह का है। इसको विराट कोहली प्रोफाइल भी बोलते हैं। इसका आप विराट कोहली का जो प्रोफाइल बैट देखेंगे आपको सेम मिलेगा, आपको जो MRF का होता है तो इसी तरह का प्रोफाइल मिलेगा आपको बैट। वहीं इसका बैलेंस देखेंगे, बैलेंस ऑसम बन रहा है। इसकी हाइट बहुत कम होती है क्योंकि स्टैंडर्ड जो साइज होता है इंटरनेशनली वो 34 इंचेस के होते हैं बैट। तो हैंडल जो है आपको वो लॉन्ग मिलेगा और बाकी जो आपको शोल्डर है वो थोड़ा सा कम मिलेगा। जो स्कूप बैट में आप देख पा रहे होंगे आपको शोल्डर भी ज़्यादा मिलता है और हैंडल जो है शॉर्ट मिलता है। बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस बन रहा है, वेट बहुत लाइट वेट है। कहीं भी चाहे आप कवर ड्राइव खेलना चाहें या पुल शॉट मारना चाहें तो आराम से खेल सकते हैं इजीली, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। वहीं इसमें अगर हैंडल की बात करें तो इसमें 3-piece फुल कैन रबर हैंडल है, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये आप देखिए, ये आपको शो हो रहा होगा। इसकी ग्रिपिंग भी बहुत ज़बरदस्त बन रही है क्योंकि हैंडल जो है वो काफ़ी पतला है, जिसकी वजह से जो आपको बैलेंस में भी आपको ये करेगा, आपको फायदे करेगा। वहीं इसके ग्रेंस की बात करें तो आप देख रही है यहाँ पे ग्रेंस डुअल शेड में आपको विलो मिल पा रहा होगा। देखिए आप, मैं इसको हैमर से आपको मार के दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह का इसमें स्ट्रोक है, इससे पता चल पाएगा। कितना भी मारेंगे इसमें कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, देखिए इससे पता चलता है कि इसकी जो प्रेसिंग है बहुत जबरदस्त की गई है, जिसकी वजह से जो है कोई भी आपको डेंट नहीं मिलेगा। आपको देखिए कहीं पे रफनेस तो आपको नहीं दिखेगा, इतना मैंने हैमर मारा है कहीं पे आपको निशान नहीं दिखेगा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है क्योंकि बैट की जो प्रेसिंग होती है उससे आपका जो है। तो सबसे पहले मैं इसके लेंथ दिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको वेट दिखा दूंगा, बाकी इसका जो पिंक टेस्ट होगा वो मैं लास्ट में करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेंथ दिखा देता हूँ कि किस तरह का लेंथ है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा सा आगे करके आपको दिखा दें, यहाँ पे लेंथ इसकी कितनी है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट 34 है। वहीं ब्लेड की बात करें तो मेरे पास जो है ब्लेड चेक करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको डिजिटल वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। तो इससे जो है आपको
एमएम से मैं आपको दिखा दूंगा मैं किस तरह का एमएम है, कितना एमएम है इसमें। ये एमएम में देख लीजिए, एमएम में और जीरो में करके दिखाया हूँ। इसकी ब्लेड की बात करें तो देखिए आपका जो मेन पॉइंट पे है .44.3 mm है। वहीं इसकी टो की बात करें अगर, तो मैं टो का भी दिखा देता हूँ। जीरो कर दिया है मैंने, यहाँ से देखिए देखिए 32.8 mm में है। एपॉक्स जो है आपको 33 mm में आपको ये मिल पा रहा है। वहीं अगर मैं इसकी वेट की बात करूं तो वेट मेरे ख्याल से मैं अपना इमेजिंग करके बता रहा हूं कि मैक्सिमम आपको जो है 1150 ग्राम्स के होंगे। तो मेरे पास ये वेग मशीन है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना इसका वेट है। तो प्लीज़ आप कैमरामैन, मैं इनसे बोलूँगा कि थोड़ा क्लोज करके लाएं ताकि पता चल पाए। मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है, देखिए ज़ीरो दिख रहा होगा आपको। ज़ीरो दिख रहा होगा यहाँ पे शायद आपको। देखिए मैंने बैट रख दिया है, यहाँ पे 1170 ग्राम्स का आपको शो हो रहा होगा। इससे पता चलता है कि वेट जो है आपको बहुत ज़बरदस्त आपको मिल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस के साथ मिल रहा है। इस तरह का बैट जो है आपको बहुत कम मिल पाएगा इतने कम चीप रेट पे। तो आप अगर परचेस करना चाहे, इसका मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही चीप रेट पे है, बहुत ही औसम बैट है। आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह का है। लेदर बैट अमूमन जो है आपको 3000+ पे आपको जाना पड़ेगा अगर सही बैट चाहिए तो। तो मेरे पास पिंक टेस्ट के लिए बहुत सारे बॉलें हैं, हार्ड टेनिस है, सॉफ्ट टेनिस है एंड लेदर बॉल है। ये बैट जो है स्पेसिफिकली जो है आपको लेदर बैट के लिए, लेदर बॉल के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको जो है ये, आप ये बैट जो है किसी भी बॉल से आप खेल सकते हैं, इस बैट से कोई भी इशू नहीं है इससे। तो मैं सबसे पहले लाइट बॉल से दिखाऊंगा आपको, जो सॉफ्ट टेनिस जिसको बोलते हैं, इसका वेट जो होता है वो 80-85 ग्राम्स होते हैं। तो आप यहाँ पे पिंक टेस्ट चेक करा देता हूँ आपको, देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त है, पीछे से कोई भी स्कूप नहीं है। आप तो जानते ही होंगे कि लेदर बैट में जो है स्कूप वाला कोई मामला होता नहीं है। वैसे एक खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो जिनके आप बैट में स्कूप बैट देख सकते हैं, वो अगर आप गौर से देखेंगे तो राशिद खान के जो बैट में है वो हल्का सा स्कूप यहाँ पे दिखेगा, लेकिन अमूमन जो है लेदर बैट में आपको स्कूप नहीं देखने को मिलता है। वही हार्ड टेनिस से बात करें, ये निविया की बॉल है मेरे पास, इसका वेट जो है आपको 120-125 ग्राम्स के आसपास होता है। तो इससे आप देख लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है, हाइट देखिए कितनी ऊपर तक जा रही है, आप देख पा रहे होंगे कितना जबरदस्त इसमें स्ट्रोक है, बहुत ही जबरदस्त है। वहीं इसकी लेदर बॉल की बात करें, लेदर बॉल का जो वेट होता है आपको पता ही होता है कि मतलब 156 ग्राम इंटरनेशनली स्टैंडर्ड का वेट होता है। तो मैं इससे आपको चेक करा देता हूँ, देख रहे हैं कितने साउंड, कितने साउंड देखिए कितनी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त साउंड मिल पा रहा होगा आपको, बॉल भी हाइट तक जा रही है। देख लिया आपने एक लेदर बॉल से, वहीं दूसरे बॉल से दिखा देता हूं, ये भी लेदर बॉल है। देख पा रहे होंगे कितनी हाइट तक जा रही है इस बैट से, बहुत ही ज़बरदस्त इतने स्ट्रोक आपको मिल पा रहा है। इतने कम रेट में आपको इस तरह का बैट बहुत मुश्किल है कि आपको इस मिल पाएगा। तो इस बैट से रिलेटेड जितनी भी आपको क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, और इसको परचेस करना चाहे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पर सारी डिटेल दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस बैट को परचेस कर सकते हैं।